हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए तीन तरह की रायते की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर व्रत में आपको कुछ भी चटपटा खाने का मन करे तो आप बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से इस रायता को बनाकर खा सकते हैं। और बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है और काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यह तीन तरह की रायता हम बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है। पहले एक बॉल लेंगे हम और उसमें हम 5 से 6 चम्मच दही ऐड करेंगे। और ये घर का जमाया दही है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। और इसे अच्छे से मथनी से या विस्पर से इसे फेंट ले, इसे मिक्सर में ना चलाएं नहीं तो इसका लस्सी बन जाएगा। और देखिए, इस तरह से हाथों से अच्छे से फेंट लेंगे तो दही फूट चुका है। तब हम बनाएंगे कुकुम्बर का रायता। एक बॉल में हम 4 चम्मच दही को पहले ऐड करेंगे फेंटा हुआ, और उसमें हम कस किया हुआ 2 खीरे को डालेंगे। तो हमने 2 खीरे को धोकर छीलकर अच्छे से कद्दूकस कर लिया। और उसका खीरा का कद्दूकस करने के बाद ना उसका हमने सारा पानी निचोड़ के निकाल लिया, क्योंकि खीरा बहुत सारा पानी रिलीज करता है। खीरे का रायता जब भी बनाए ना तो पहले उसका पानी कस करने के बाद निचोड़ कर निकाल ले। और सभी खीरे को ऐड करेंगे, थोड़ा सा हमने बचा लिया है। और इसमें बारीक कटा हुआ हरी मिर्च को ऐड करेंगे, तीखा आप जैसा पसंद करते हैं उसी हिसाब से ऐड करें। और इसमें हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो सेंधा नमक यूज करेंगे, हम व्रत के लिए बना रहे हैं। इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा मसाला और लाल मिर्च का पाउडर। तो हमने भूनकर जीरा और मिर्च का पाउडर बना लिया था एक साथ, और इसे भी 1/2 टी स्पून ऐड करेंगे। और सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें और भी स्वाद बढ़ाने के लिए ना, टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड करेंगे। धनिया पत्ता से इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है, तो धनिया पत्ता ज़रूर ऐड करें। और अच्छे से मिक्स खीरे का रायता बनकर तैयार है। इसे बॉल में सर्व कर लेंगे और इसके ऊपर हम भुना हुआ जीरा मसाला से और धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे। देखिए, रायता बनकर तैयार है। और देखिए, हमारा स्वादिष्ट खीरे का रायता बनकर तैयार है। और अब हम बनाएंगे मिक्स फ्रूट रायता। तो मिक्स फ्रूट रायता बनाने के लिए आप जो भी फ्रूट पसंद करते हैं अपने हिसाब से वही डालें। देखिए, हमने 1/2 खीरा को बारीक कट कर लिया है, 1/2 गाजर को बारीक कट कर लिया है, एप्पल को हमने बारीक कट कर लिया है, ऑरेंज को 2 भाग में टुकड़ों में कट कर लिया है, और हमने कुछ काजू और किशमिश लिया है। और एक बॉल में हम फेंटा हुआ दही को ऐड करेंगे। और ऑरेंज ना खट्टा हो तो ना ले, क्योंकि मेरा ऑरेंज जो है ना बिल्कुल खट्टा नहीं है, तभी हमने लिया है। और सभी फ्रूट को हम ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम सभी को ऐड कर देंगे। आप जो पसंद करते हैं वही फ्रूट ऐड करें, सभी को डालेंगे। और काफ़ी टेस्टी रायता यह भी बनकर तैयार होता है, इसे भी ट्राई ज़रूर करें। देखिए, हमने काजू किशमिश को भी डाल दिया है, और इसमें हमने 1/2 टी स्पून जीरा मसाला और लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 1/2 टी स्पून इसमें हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। और इसमें व्रत के लिए बना रहे तो इसमें हम सेंधा नमक भी ऐड करेंगे। और इसमें हमने बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता भी ऐड किया है, आप चाहो तो डालो नहीं तो स्किप कर सकते हो, मुझे अच्छा लगता है इसलिए हमने धनिया पत्ता को भी डाल दिया है। और इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमारा सुपर टेस्टी मिक्स फ्रूट रायता भी बनकर तैयार है। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर न्यू विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ना आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए, हमने सारे फ्रूट्स को, मिक्स फ्रूट को हमने डाल दिया एक बॉल में, और डालकर इस पर हम कुछ काजू और किशमिश से गार्निश कर देंगे। तो यह भी रायता काफ़ी टेस्टी बनता है, इसे भी ट्राई आप ज़रूर करें। और यह भी रायता हमारा बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे आलू का रायता। तो देखिए, हमने एक बॉल में फिर हम फेंटा हुआ दही को ऐड करेंगे। तो 4 चम्मच हमने दही ऐड किया है, आलू को हमने बॉईल कर लिया था और उसका छिलका निकाल कर छोटे छोटे टुकड़ों में हमने आलू को कट कर लिया है। तो देखिए, इसमें हम एक बड़े साइज का आलू को इस तरह से कट करके ऐड कर देंगे। सभी आप चाहो तो इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हो, या इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में भी डाल सकते हो। हरी मिर्च ऐड कर देंगे, जैसा तीखा पसंद करते हैं उसी हिसाब से डालें। और इसके बाद बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड करेंगे, और
और इसमें हम भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें हम ब्लैक पेपर भी ऐड करेंगे। सभी को डालकर हमें अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। और क्या रहता है बिना काफ़ी टेस्टी बनता है। और इसको और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए ना हम इसमें तड़का लगाएंगे। और इसमें हमने सेंधा नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम और भी टेस्टी बनाने के लिए अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो पहले अच्छे से सभी को मिक्स कर लेते हैं। और गैस पे हम चढ़ाएंगे तड़का पैन। उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सरसों तेल। तो व्रत में आप जो भी तेल पसंद करते हो वही डालें, या घी भी डाल सकते हैं आप। और जैसे ही तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम जीरा डाल देंगे, करी लीव डाल देंगे और इसका तड़का लगाकर हम इसमें डाल देंगे। तो तड़का लगाने से ना इसमें और भी स्वाद बढ़ जाता है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा सुपर टेस्टी आलू का रायता भी बनकर तैयार है। अब इसे भी हम सर्व कर लेते हैं एक बाउल में। और रायते की रेसिपी अच्छी लगती है तो फ्रेंड अपने दोस्तों में फैमिली ग्रुपों में शेयर जरूर करें। तो देखिए हमने सभी को ऐड कर दिया है और इसके ऊपर अब हम धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे। और दही में जब भी रायता बनाए ना तो खट्टी दही ना ले, तभी रायता अच्छा बनता है। देखिए हमने ऐड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा जीरा मसाला से स्प्रिंकल कर देंगे और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। तो यह भी रायता बनकर तैयार है। तो आप इस तरह से व्रत में जब चटपटा खाने का मन करे तो इस तरह का आप रायता बनाकर खा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा 3 तरह का सुपर टेस्टी रायता बनके तैयार है। बिल्कुल इजी और सिंपल रेसिपी है। आप 5 मिनट में झटपट इसे बनाकर खा सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ।